हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सुप्तान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनाबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते, तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृपा से भगवद गीता मैया की जय हो कि आज वो मेरे हाथों में है। और जब भी मैं गीता को छूता हूं एक अद्भुत आनंद और एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का एहसास होता है। जैसे सैनिक के पास जब उसका वेपन, उसकी बंदूक होती है तो उसे सुरक्षा का एहसास होता है, ऐसे हमारे पास जब ये हरि नाम जपमाला होती है अथवा भगवद गीता होती है, माथे पे तिलक होता है, कंठ में कंठी माला होती है, एक सुरक्षा का एहसास होता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस संसार में प्रतीक वस्तु अनित्य है, अर्थात कभी एक जैसी नहीं रहती है। परिवर्तन ही संसार है। जितने हसीन से हसीन चेहरे देख लो एक दिन करूप हो जाते हैं, सुंदर से सुंदर बिल्डिंग एक दिन खंडर बन जाती है, तभी तो नई के साथ पुराना शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए ये परिवर्तन जब होता है तो सब चीजें बदल जाती है, एक जैसी नहीं रहती है। मेरी माता बहनों मित्रों, ऐसे ही हमारा शरीर भी कभी एक जैसा नहीं रहता है। कहने को शरीर हमारा है लेकिन वो हमारा है नहीं, क्योंकि अगर हमारा हो तो हमारी मर्जी से चले। हमारा शरीर अगर हमारा हो तो हमारी मर्जी से चले, लेकिन ये हमारी मर्जी से तो नहीं चलता है। इसको समय चलाता है तो चलता है, एक बर्थडे आता है, एक जन्मदिन आता है तो पता चला एक साल 365 दिन चले गए और हम एक साल और मृत्यु के नजदीक हो गए। मेरी माता बहनों मित्रों, ऐसे अनित्य संसार में
जब हमारे हाथ में हरि नाम भजन अथवा भगवद गीता भागवत हो, माथे पे तिलक हो, कंठी माला हो, तो एक सुरक्षा का एहसास होता है कि हम अपने यूनिफॉर्म में हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, एक सैनिक चाहे कितनी बड़ी रैंक का ऑफिसर क्यों ना हो, जनरल, मेजर जनरल, कितनी भी बड़ी रैंक का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म में होगा तो लोग उसको पहचानते ही उसका सम्मान करेंगे, उसकी मर्यादा करेंगे। दूसरे सैनिक उसको देखते ही सैल्यूट मारेंगे, क्योंकि उसकी पहचान उसके साथ है। ऐसे ये वैष्णव तिलक हमारी पहचान है, ये कंठी माला हमारी पहचान है, ये जपमाला हमारी पहचान है, ये भगवत गीता भागवत हमारी पहचान है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इसी पहचान से जीना और इसी पहचान में रह के मरना ऑन ड्यूटी। एक वैष्णव 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है, क्योंकि वो सदैव कृष्ण के सेवा के विषय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी प्रचार के विषय, कभी कीर्तन के विषय, कभी सेवा के विषय, कभी श्रृंगार के विषय, कभी मंदिर के विषय, या उसके अंदर भजन कीर्तन स्मरण कुछ ना कुछ चलता रहता है। उठता है तो स्वतः खुद ब खुद कृष्ण, वो बैठता है तो स्वतः खुद ब खुद कृष्ण, खाता है तो स्वतः हे गोविंद हे गोपाल। और भागवत में तो एक श्लोक है कि उठते बैठते ठोकर खाते गिरते पड़ते जिनके मुंह से नारायण निकल जाता है उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भागवत का श्लोक है। मेरी माता बहनों मित्रों, और ये सब आज जो हमारे जीवन में हो रहा है उसका कारण पता है कौन है? कृष्ण कृपा से हमारे गुरुदेव। हम का जाने कौन था कृष्ण और कौन थी राधा, संसार को भोगने का पक्का था पक्का इरादा, आपसे मिल गई है मंजिल गुरुदेव हमारे। हमारे गुरुदेव, और यहां पर स्वयं भगवद गीता में 18वें अध्याय के 75वां श्लोक, 18वां अध्याय 75वां श्लोक, 75 श्लोक नंबर चैप्टर 18 में संजय कह रहे हैं, ये संजय का श्लोक है। संजय कहते हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। व्यास की कृपा से। व्यास कौन है? संजय के गुरु हैं। और संजय यहां अपने गुरु महाराज की महिमा करते हुए कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव व्यास की कृपा से यह सब सुना है। तो आज हमारे जीवन में जो भजन कीर्तन सत्संग कथा कीर्तन भजन प्रचार जो भी है हमारे जीवन में, हमारे गुरु का प्रसाद है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, प्रसाद है।
और यहां संजय इस बात को कह रहे हैं कि ये गुह्य बातें, ये बहुत छिपी हुई बातें, बहुत बहुत पोशीदा बातें गुरु कृपा से हम तक पहुंची। मेरी माता बहन मित्रों, अगर हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव ना होते तो कहां होते कृष्ण, कहां होती राधा रानी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, कहां होते ये सब। मुनि निविंद वंदते त्रिलोक शोक हारणी, सन्न वक्त पंकज कुंज भू विलासनी, जैन भानु नंदनी ब्रजैन सुनु संगते कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, ये सब कहां होता हमारे जीवन में। ये कहां होता मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो यहां कह रहे व्यास की कृपा से, अर्थात मेरे गुरु की कृपा से ये मैंने सुना है सब। भगवद्गीता 18वां अध्याय और 75वां श्लोक। अवश्य हम भी अपने गुरुदेव की कृपा से यह सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब यही गुरु प्रसाद हमें हमारे घर तक पहुंचा देगा, यही गुरु कृपा हमें हमारे घर तक पहुंचा देगी। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये है भगवद्गीता का सारा सार, जो अंत में संजय ने इस बात को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि ये सब मैं जो सुना रहा हूं और मैंने जो सुना ये सब मेरे गुरु की कृपा से। तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये सब गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है और उन्हीं की कृपा और प्रसाद से आज मैं भी आप तक ये सब बातें पहुंचा रहा हूं और अवश्य आप भी ये बातें आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। इस कोरोना काल में भगवान राधा वृंदावन चंद्र मेरे ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुरक्षित रहो, आप सब खुश रहो, मेरे दिल से दुआ है। और बहुत सारे लोग अवश्य भजन में अपना जीवन बिताते होंगे, हरि कृपा से आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी प्रयास करूं जिंदगी भर आप लोग की ऐसे ही हरि कथा के माध्यम से सेवा करने की। ये आशीर्वाद और ये दुआएं आपकी मेरे लिए हमेशा बनी रहे। कृष्ण आपकी रक्षा करें, आप खुश रहो, सुखी रहो, माँ भवानी आप सबों को भक्ति प्रदान करें, मेरे कृष्ण का नाम प्रदान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।